अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स के रिलेटेड कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, पाइथन शेल ओपन कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको एक वेरिएबल बना के उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ। लेट्स सपोज वैल्यू या वेल इक्वल टू 4 इंटर किए, और अब मैं करता हूँ प्रिंट वैल्यू VAL। अब 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया, इसने आउटपुट शो कर दें। तो देखने वाली बात इसमें यह है कि जब वैल्यू VAL इक्वल टू 4, हमने जब वैल्यू को 4 असाइन किया, तो वेल एज ए कंटेनर इसने अपने अंदर ये वैल्यू स्टोर की, ठीक है। और जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है कि हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, हम उनको लिख के, और सामने जैसे सी में होता है तो वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता है हमें यहाँ पे। लेकिन पाइथन में यह है कि हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे ही वेरिएबल इनिशियलाइज करके उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो वेरिएबल खुद बन जाता है। और इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जैसे अभी मैंने वेल लिखा वैल्यू इक्वल टू 4, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में VAL इक्वल टू 4 लिखा। जैसे कि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स लिखने के लिए एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 4, एंड देन जी इक्वल टू 6। अब ऐसे वेरिएबल्स कभी नहीं लिखा आपने YX YG, क्योंकि ये एक अच्छे प्रोग्रामर की एग्जांपल नहीं होती। अब वैल्यू ठीक है, वेरिएबल्स वो लिए जा सकते हैं, लेकिन बाद में खुद ट्रबल होती है कि हम इसे कैसे याद रखें। लेकिन अब हम इनको इस तरह भी ले सकते हैं, जैसे वेल 1 इक्वल टू 5, वेल 2 इक्वल टू 4, देन वेल 3 इक्वल टू 6। आप जैसे हम प्रिंट करके देख लेते हैं कोई भी एक वेल 2, और ये हमारे पास 4 आउटपुट आ गई इसकी। अब वेरिएबल्स, ये तो हमने वैल्यू इसको असाइन की इंटीजर। अब इंटीजर क्या है या फ्लोट क्या है, वो डेटा टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब वेरिएबल्स हम जैसे वेल कोई भी लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ स्ट्रिंग वैल्यू ले ली है, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू इक्वल टू हेलो, हम हेलो लिख लेते हैं। हम इसी को हम वैल्यू 1 इक्वल टू सिंगल कोट में हेलो लिख लेते हैं। अब इनको दोनों को प्रिंट करते हैं, प्रिंट वैल्यू। अब ये इसकी वैल्यू भी प्रिंट होगी, और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू 1, अब जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है वो हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं हमने। अब जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम किस किस्म के दे सकते हैं, जैसे कि
अब ये मैं आपको एक वेरिएबल लिखता हूँ, जैसे टू वेरिएबल इक्वल टू थ्री। अब ये हमने वेरिएबल दिया तो इसने हमें सिंटैक्स एरर दे दिया, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि जो इलीगल वेरिएबल नेम है उनमें से कुछ शामिल हैं, जैसा कि एक तो ये हो गया और हम माई लिख के वेरिएबल इक्वल टू फोर माइनस थ्री ये थ्री, ये भी हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा भी हम वेरिएबल नहीं दे सकते, और ना ही हम माई वी ए आर इन दोनों के दरमियान स्पेस लेके कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसा कि इन तीनों वेरिएबल्स में ये हमें सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स एरर शो हुआ है। अब वेरिएबल्स हम ले कैसे सकते हैं, अब हम ले सकते हैं माई वेरिएबल इक्वल टू थ्री, कोई एरर शो नहीं किया इसने, और माई वेरिएबल इक्वल टू या माई वेरिएबल इक्वल टू फाइव फोर, और या हम स्टार्टिंग से ही माई वेरिएबल इक्वल टू फाइव, या हम कैपिटल में भी दे सकते हैं माई वेरिएबल इक्वल टू सेवन, और हम माई वेरिएबल टू। अब बाद में हम लिख सकते हैं स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, जैसे माई वेरिएबल टू इक्वल टू एट, और हम दे सकते हैं माई वेरिएबल इक्वल टू टेन, हम ऐसे वेरिएबल्स इसमें दे सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि अब हम वेरिएबल्स को प्रिंट करवाते हैं, तो सबसे पहले जो है माई वेरिएबल, अब इसने थ्री प्रिंट कर दिया। अब ये स्मॉल में लिखा हुआ था स्मॉल लेटर में, और ये अब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। अब इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट कैपिटल माई वेरिएबल, अब इसने सेवन प्रिंट कर दिया। अब कैपिटल और ये केस सेंसिटिव है, हम स्मॉल में लिखेंगे तो वो अलग वेरिएबल काउंट होगा, और कैपिटल में लिखेंगे तो वो अलग वेरिएबल काउंट होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी वेरिएबल्स के रिलेटेड जो हमने डिस्कस की, और भी चीज़ें हैं जैसे कि मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही जगह वैल्यू असाइन करना, जैसे कि मैं लिखता हूँ वेल वेल वन वेल टू और वेल थ्री, और कॉमा देना है लाजमी दरमियान, इक्वल टू और डबल कोट्स, देन वैल्यू वन को असाइन करते हैं, कोई भी नाम असाइन करते हैं, जैसे मैं अपना नाम करता हूँ वेल, देन कॉमा, और आगे देते हैं जी आकाश, फिर हम देते हैं हसन, ठीक है इंटर। अब हम इसमें से कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, ये आई थिंक नीचे हो गया, प्रिंट वेल टू, तो ये इसने आकाश प्रिंट कर दिया। आप देख लें कि हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन किए हैं। अभी प्रिंट वेल थ्री कर लें, और ये इसने हसन प्रिंट कर दिया। और हम एक और चीज़ इसमें देख सकते हैं कि हम एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, जैसा कि वेल वन इक्वल टू वेल टू इक्वल टू वेल थ्री इक्वल टू
कुछ भी हम कोई फ्रूट्स का नाम, फ्रूट का नाम जैसे एप्पल, और इंटर करें, देन आप प्रिंट करवाएं वेल वन, और ये हो गया एप्पल। अब प्रिंट करवाएं आप वेल टू, और ये एप्पल अब प्रिंट वेल थ्री। तो ये वेल आप देख लेंगे कि मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू हम असाइन, एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और इसमें कुछ बाकी चीज़ें हैं जो हम आगे नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें बेशुमार चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आउटपुट वेरिएबल्स और उसके कुछ एग्जांपल्स होंगे। अब लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, और बाकी इसमें कीवर्ड्स, ग्लोबल कीवर्ड्स, ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।